गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो भाई आज का सीन कुछ ऐसा है, आज हमारा है तीसरा दिन एंड फाइनल दिन। तो आज हम जाने वाले वापस टोक्यो को, एंड आज हमें यहाँ पे थोड़ी सी कुछ क्या है कि एक्सप्लोर करनी है एक जगह जो कि एक कैसल है, वहाँ पे चलते हैं। एंड वहाँ पे क्या है, निंजा कैसल है बेसिकली, तो वहाँ पे चल के आपको दिखाएंगे। एंड फिलहाल तो अभी पीछे पैकिंग चल रही है, भाई अपना पैकिंग कर रहा है, अपनी पैकिंग हो चुकी है। मैं तो नहा धो भी लिया, ये कल रात को नहाया था, इसने मॉर्निंग में शावर नहीं ली बिकॉज जैपनीज का थोड़ा सा अलग होता है, बट हम तो इंडियन है ना, हमें तो सुबह सुबह जल्दी नहाना ही पड़ता है, तो मैंने शावर ले लिया। और अभी आपको व्यू दिखाता हूँ बाहर का, बहुत ही ज़बरदस्त है ये देखो भाई, अच्छे क्या व्यू है ना। जहाँ पे हम अभी आए ना, वहाँ पे एक जू है जहाँ पे एलिगेटर्स वगैरह है, तो इसको वो देखने थे मेनली, तो इसलिए मेरे को ये लेके आया था, क्योंकि एक रिपोर्ट बना रहा है जिसमें इसको एलिगेटर्स के बारे में बताना, मतलब कि काफ़ी डिटेल चीज़ है, तो अभी मैं इसमें व्लॉग में तो ऑब्वियसली बता नहीं सकता सारी चीज़ें। बाकी इसने इतना पकाया, इतना पकाया भाई, इतना पकाऊ बंदा ना आज तक मेरे को नहीं मिला, सांप को पाल रहा था। तो अभी क्या करते हैं, अभी स्टेशन चलते हैं, स्टेशन से हमें यहाँ से लगेगा ऑलमोस्ट 2 आवर्स रीच कर कैसल जाने के लिए। बाकी भाई यहाँ का जो व्यू है ना, आई मीन सीरियसली आई कांट गेट ओवर दिस व्यू मैन। सो राइट नाउ वी आर एट द स्टेशन एंड वी आर हेडिंग बैक टू टोक्यो, वेटिंग फॉर द ट्रेन हियर। ब्रो व्हेन इज द ट्रेन? देयर इज नो द डिजिटल बोर्ड्स हियर। यहाँ के स्टेशन बहुत ज़्यादा मतलब पुराने हैं, तो यहाँ पे ना कोई बोर्ड है ना कुछ है, देखो पूरा स्टेशन खाली है, बस हम दो है यहाँ पे, एंड पूरा स्टेशन पूरा मतलब लिटरली सब कुछ खाली। अबे चुप हो जा, अबे साले। अभी हम लोग आ चुके हैं उदावारा कैसल, जहाँ पे मैंने आपको बताया था कि मैं आपको लेके आऊँगा। तो दिस इज़ लाइक यहाँ पे ही है कैसल, आगे चलेंगे बाद में। अभी तो लंच टाइम था ना, तो मैंने लंच भी ख़रीदा था कोमिनी से, तो दिखाता हूँ क्या लिया मैंने। दिस इज़ माय लंच, कैन यू होल्ड इट वंस? सो दिस इज़ ओनीगिरी बेसिकली। भाई ये एक ही वेजिटेरियन चीज़ मिली मेरे को जो कि कॉम्बिनी में थी, तो मेरे को इसी से काम चलाना पड़ेगा अभी के लिए, तो बाकी शाम को घर जाके भाई रोटी सब्जी के बिना तो काम नहीं चलेगा अपना। एंड वन मोर ओनीगिरी, दिस इज ओनीगिरी भाई ब्रो, व्हाट इज दिस? जस्ट लाइक अ स्पाइसी राइस एंड नोरी। तो भाई यहाँ पे ये कैसल, ये जो आपको दिख रहा है ना इस साइड में कैसल है पूरा, अभी इधर से एंट्रेंस होगी, वहाँ पे चलते हैं। एंड काफ़ी बढ़िया है यार जगह, काफ़ी बहुत ज़्यादा मतलब अभी भी साकुरा है, देख सकते हो आप पेड़ों पे, और आज भीड़ भी उतनी नहीं है, चलते हैं अंदर एक्सप्लोर करते हैं। सो गाइस, देयर इज द मेन कैसल हियर बिहाइंड मी, दिस इज द मेन कैसल ओवर देयर। दिस इज 3-story? 3 or 4-story? Yeah. Damn, that's pretty huge. Can we go up though? Yep. Oh, mostly like Japanese castles, we don't go like into that, right? Yeah. But apparently we can go in this one. तो इसके अंदर ना ऊपर जा सकते हैं इस कैसल में, एकदम टॉप फ्लोर तक आदमी दिख तो रहे हैं, वैसे टूरिस्ट काफ़ी ज़्यादा है, तो वो भी चलते हैं ऊपर। सो अमेजिंग, कितना ब्यूटीफुल है भाई, है ना। यहाँ पे ये बच्चों की ट्रेन है, मतलब बच्चों के लिए भी काफ़ी क्या बोलते हैं जिसे किड्स फ्रेंडली एरिया ये। और अंदर इसमें ना वो थे जैसे क्या होता है कि निंजा के बारे में या फिर जितने भी पहले एम्परर रह चुके हैं उनके बारे में सारी कुछ डिटेल थी यहाँ पे, तो ओवरऑल काफ़ी बढ़िया था। तो अगर आप जापान आओ तो ज़रूर विज़िट करना, ठीक है। How does it look, bro? Looks nice, bro. Really perky? Yep. Robust. I should go to Tokyo like this. Very robust man. On the train, yeah. I'm like the tall ninja. This one is nice. She might not be able to reach my head. I think it's heavier than me. Yeah.
bro. How do I look, man? Yeah, you look great, great, bro. Yeah, full body. Bhai, ye kuch bhai bahut heavy hai yaar. Look at this. Do I look like a samurai? Yep. Okay, let's fight. Oh, bro, I'm unarmed. Mere se zyada bhari ye armor lag raha hai mere ko, sahi mein. Tough. Now I'm bulletproof. कैसा लग रहा हूँ कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, ठीक है? बहुत मनुष्य लग रहा हूँ, मत करो, रहने दो. I'm not afraid to be alone.